गल सुन, गल तेन उस कड़ियाँ तेरे नाल कार अगर उस बंदे गल कीतियाँ तेरे कीतियाँ ठीक है उस कीतियाँ अगर तेन मसला होया है ना तू कहना मैं जट बरादरी का बंदा आया ये हो ठीक है तो एक कम करके बंदे उसका नंबर तेरे को है उस बंदे तू चाह के खड़ना लभ के खड़ना जो करना कर दे साड़ी तरफ उसको मार भी दे सू कोई टेंशन नहीं है साड़ी गल तेरे ना सीधी सीधी प्यार ना गल कर रहे हैं भाई पेमेंट करा ना बदतमीजी तेरे नाल पहले की है तो ना हूँ कर रहे हैं ठीक है रही जी रेफरेंस से फोन करने वाली गल वो साड़ा कम है साड़ी मजबूरी है तो रही 200 रुपये वाली भाई 200 रुपया चाहे कमाइए तो भावें 500 कमाइए अस अपनी जात से कमा रहे हैं ठीक है उससे तेरा गल करने का मकसद नहीं है दूजी गल जे पेमेंट करनी है तो भाई आई डी तेरे कोल पई है तो पेमेंट कर यार मैं तेरा भाई हूँ और तू मुझे कह और रही मैसेज की बात तो पेमेंट करेगा तेरी जान छूट जाएगी ये मैसेज आना तुझे बंद हो जाए। हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम जी जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। दोस्तों आज मैं इंशाल्लाह ताला कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा ये जो लोन एप्लीकेशन वाले हैं आप सभी से मेरी वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप सभी ने पहले भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ लेकिन वक्तन वफक्तन वीडियोस बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपको आगाही मिल सके आपको पता चल सके कि हम इनके खिलाफ एप्लीकेशन किस तरीके से दे सकते हैं। दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो बहन भाई मेरी वीडियोस वॉच करते हैं आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी ने मिल के अपनी अपनी जो भी आपके थाने हैं जो भी आपके FIA ऑफिस हैं हर तहसील सतह पर हर ज़िलाई सतह पर FIA ने ऑफिस बनाए अपने FIA के ऑफिस के अंदर ही एक साइबर क्राइम का ऑफिस भी छोटा सा दफ्तर बना होता है। आपने अपने जो भी आपके करीब में FIA का ऑफिस है आपने अपने करीबी FIA के ऑफिस में जाना है वहाँ पे आपने उनसे पूछ लेना है कि हमने साइबर क्राइम ऑफिस में जाना है। साइबर क्राइम ऑफिस में जाके आपने विद रिटर्न जो ये आपको थ्रेड कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं लोन एप्लीकेशन वाले जिस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग्स कर करके भेज रहे हैं या जिस तरीके से भी आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं आपने वो व्हाट्सएप प्रिंट निकलवा लेने हैं। व्हाट्सएप प्रिंट निकलवा के आपने साइबर क्राइम ऑफिस में जाके उनको अपनी मुकम्मल डिटेल से आपने अपना मसला शेयर करना है उनको बताना है कि सर इस तरीके से इन्होंने हमारा डाटा चोरी किया है डाटा हैक किया है और इस तरीके से हमें ये अभी थ्रेड कर रहे हैं परेशान कर रहे हैं हमने अपना घर बार हर चीज़ बेच के इनको दे दी है अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है ये ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ रहे तो लिहाजा हमारा साथ दिया जाए हमारी एप्लीकेशन दर्ज की जाए। जब आप इतना फोर्स करेंगे आप हमारे अपने इदारों पे थोड़ा सा दबाव डालेंगे इदारे मजबूर हो जाएंगे इन पे एक्शन लेने के लिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट की जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ एप्लीकेशन दर्ज करवाएँ। जब आप दोस्तों FIA ऑफिस में एप्लीकेशन दर्ज करवाएंगे उसके बाद आपने अपने करीबी थाने में चले जाना है आपको आपका करीबी थाना सदर लगता है सिटी लगता है मॉडल टाउन लगता है जो भी आपका थाना करीबी आपको मुतलका थाना लगता है आपने अपने मुतलका थाने में जाना है जाके दोस्तों आपने मुकम्मल अहवाल उनको बताना है इस तरीके के साथ मुझे टॉर्चर किया जा रहा है थ्रेड किया जा रहा है लिहाजा इन बंदों को जल्द से जल्द उठाया जाए और मेरी जो एप्लीकेशन है इसको मार्क करके जिस भी थानेदार को करनी है मार्क करके जो भी इस पर एक्शन लेना है जल्द से जल्द लेके मुझे इतला दी जाए। जब आप दोस्तों आप सभी बहन भाई अपने अपने मुतलका थाने में FIA साइबर क्राइम में ऑफिस में जाएंगे जब हम सभी लोग एक साथ इकट्ठे निकल के अपने अपने जो करीबी ऑफिसेज हैं उनमें कंप्लेंट्स दर्ज करवाएंगे जब डेली बेस पे रेगुलर बेस पे हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे इदारों के पास इनके खिलाफ कंप्लेंट्स जाएंगी तो हमारे इदारे भी मजबूर हो जाएंगे इन पे एक्शन लेने के लिए। जस्ट आज की वीडियो बनाने का आपसे रिक्वेस्ट करने का मकसद ये है ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई प्लीज़ खुदा के लिए इनके खिलाफ एप्लीकेशन दें जब आप विद रिटर्न दे आएंगे घर में आके आपने हर बहन भाई के पास तकरीबन अभी एंड्रॉयड मोबाइल है टच मोबाइल है आपने अपना क्रोम ब्राउज़र खोलना है गूगल पे आपने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सर्च कर लेना है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब सर्च करेंगे तो FIA की आगे से वेबसाइट ओपन हो जाएगी जब वेब ओपन हो जाएगी तो आपने आगे से जो है ना कंप्लेंट कर देनी है। चले मैं आइए ऐसे नहीं आपको बताता
मोबाइल स्क्रीन पे जाके पहले थोड़ा सा मैं आपको विजिट करवा देता हूँ, आप देख ले किस तरीके से आपने FIA की वेबसाइट सर्च करनी है और मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने कंप्लेंट्स करनी है। चलिए आइए चलते हैं पहले मोबाइल स्क्रीन। जी तो दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हूँ, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है ये डाउनलोड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपने जो भी ब्राउजिंग करनी है आपने क्रोम ब्राउज़र पे किया करें। कोई ऐसी लिंक्स आपके पास आ जाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वायरसेस छोड़ा जाता है या आपका मोबाइल हैक करने की कोशिश की जाती है, तो क्रोम ब्राउज़र पे तकरीबन सेफ ब्राउजिंग की जाती है। यहाँ पे जो वायरसेस वाली वेबसाइट्स हैं या हैकिंग वेबसाइट्स हैं वो ओपन नहीं होती। गूगल सिक्योरिटी अलर्ट पहले ही मैसेज करके आगाह कर देता है कि ये जो वेबसाइट आप ओपन करना चाह रहे हैं या ओपन की है ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है ब्राउजिंग के लिए हमेशा क्रोम ब्राउज़र इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जैसा कि क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया, अभी न्यू टैब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम फेडरल ये देख लें दोस्तों। जैसा कि आप सर्च करेंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये देख लें आप, इस तरीके से आपने सर्च करना है। जब आप फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लिख के सर्च करेंगे तो आगे से ये FIA www.fia.government.pk आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन पे। तो दोस्तों, जब ये आपका पेज इस तरह से ओपन हो जाए तो उसके बाद दोस्तों आपने ये जो थ्री डॉट्स है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों 1 2 3 4 5 5वें नंबर के कंप्लेन सेल है, यहाँ पे आप ओके करेंगे थ्री डॉट्स पे, 5वें नंबर पे कंप्लेन सेल है, ठीक है दोस्तों। कंप्लेन सेल पे जाएंगे आप, ये देख लें दूसरे नंबर पे साइबर क्राइम कंप्लेन सेल है, ठीक है दोस्तों, ये आपने ओपन कर लेना है। जब आप इस तरीके से ओपन करेंगे दोस्तों, आपने अपनी यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना जो आपका CNIC पे नेम है वो डाल देना आपने, उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड, उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं, यहाँ से आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने अपना जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं पर्सनल मोबाइल नंबर वो इधर डाल देना है, उसके बाद अगर आपके पास कोई पीटसेल नंबर है तो वो भी इधर डाल देना है, जो आपका एक्टिव ईमेल है उसके बाद ये इधर डालना है, ऑक्यूपेशन जो भी आपका पेशा प्रोफेशनल है वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, जो आपका पोस्टल एड्रेस है यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, अपना पोस्टल एड्रेस आपने एग्जैक्ट जो आपके ID कार्ड पे एड्रेस है वही आपने डालना है। तो यहाँ से दोस्तों आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है अपनी, जो भी आप सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने दोस्तों यहाँ पे आके आपने ये जो बात है गौर से देखनी है, ये है जी क्राइम कैटेगरी। तो यहाँ पे आपने ये दो देख लें दोस्तों, जैसा कि साइबर क्राइम, हैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन डिफेमेशन, हेट स्पीच एंड अदर ऑनलाइन क्राइम्स, ठीक है जी, यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों, जिस तरीके से आपको ये टॉर्चर कर रहे हैं, जिन जिन नंबर से आपको थ्रेट किया जा रहा है, यहाँ पे आपने आके तफसील के साथ, डिटेल के साथ आपने मुकम्मल यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिख के यहाँ से आपने कुकीज़ को ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने कंप्लेंट सबमिट करवा देनी है। सबमिट करवाने के बाद दोस्तों, आपको 48 घंटों के अंदर अंदर आपकी ईमेल पे जो भी एक्शन लिया जाएगा या जो भी इनके खिलाफ एक्शन होगा आपको मुकम्मल आगाह कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी भाई को समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में आप रब्ता कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है इनके खिलाफ कंप्लेंट्स जरूर करिएगा। दोस्तों, जब मेरे सभी बहन भाई मिलके मेरा साथ देंगे, इनके खिलाफ हम एक साथ यकजा होके एक ही वक्त में एक ही दिन में हम हजारों लाखों कंप्लेंट्स जब FIA को फॉरवर्ड करेंगे, ऑनलाइन कंप्लेंट्स भी जाएंगी और जिसमें विद रिटन कंप्लेंट्स भी जाएंगी, तो उसके बाद दोस्तों उसमें इंशाल्लाह ताला मेरा 101% आपको श्योरिटी है, गारंटी है FIA को, हमारे इदारों को हर सूरत में, हर हाल में इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। आप सभी से वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, आपसे रिक्वेस्ट है अल्लाह की रज़ा के लिए हमारा साथ दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा साथ देंगे ठीक है उतना जल्दी हम कामयाब हो सकते हैं। आपके अलावा, आपके सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप हमारा साथ देंगे तो हम सभी कुछ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारी मशावरत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह,
100 में से 80% चांसेस हैं कि हम गुजरांवाला में एहतजाज करने जा रहे हैं इसी महीने के अंदर। जो जो बहन भाई मेरी वीडियोस वाच करते हैं, जो सियालकोट से, गुजरात से और गुजरांवाला से हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरी वीडियोस वाच करते हैं, आप देखते हैं। जो मेरे यार दोस्त मेरे अखबाब हैं मेरे साथ, उनसे भी रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में आपने बताना ज़रूर है, अगर हम गुजरांवाला में एहतजाज रखें, क्या आप सभी लोग गुजरात सियालकोट के जो बहन भाई हैं, वज़ीराबाद के जो बहन भाई, लाहौर के जो बहन भाई हमारे साथ, मेरे व्यूवर्स हैं, हमारा साथ देंगे? क्या वो हमारे साथ एहतजाज में गुजरांवाला में इकट्ठे होंगे हमारे साथ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, किसी भी बहन भाई ने इनको 1 रुपया पेड नहीं करना, ये लोन एप्लीकेशन वाले बस लगा लें, अपना जो कर सकते हैं कर लें, ठीक है। ज़िंदगी में जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो इनकी औकात है, ये सिर्फ आपकी फैमिलीज़ को कॉल कर सकते हैं, ज़िंदगी में ये आपके घर नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने आके जूतियाँ खानी हैं। जितना लोगों को इन्होंने डेटे हैक किए हैं, डोटों लोगों को परेशान किया डेटे हैक करके, लोग तो इनकी खूब छतरोल करेंगे, वो छतरोल करेंगे, ये एक दफ़ा किसी के घर आएँ तो सही, तो इतनी औकात के ये मालिक नहीं, ये किसी के घर चले जाएँ। तो लिहाजा आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये किसी के भी घर में नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको पीछे बैठ के जलील करेंगे कॉल्स करके, या किसी भी तरह से थ्रेड करेंगे, परेशान करेंगे। आप सभी ने हमारा साथ देने, ताकि जल्द से जल्द हमारे दायरे एक्टिव हों। ये कुत्ते जो कॉल सेंटर एजेंट्स पे पागल हुए पड़े हैं, जो 280 रुपये की रिकवरी के लिए, सिर्फ 280 रुपये इनको मिलते हैं एक रिकवरी का, 280 रुपये की खातिर अपनी आहरत भी भूल चुके हैं, अब हमारी माँ बहन बेटियों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, यतीम भाइयों को, यतीम बेटियों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इनको पकड़ेंगे भी और इनकी इंशाल्लाह ताला छतरोल भी करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने जो जो बहन भाई मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई को अवेयरनेस मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई इनके आगे डट सकें, खड़े हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई इनके स्कैम से, इनके फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद एक ही था, यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर तरीके से इनके खिलाफ़ हम कंप्लेंट्स कर सकें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो बनाने का जस्ट मेरा मकसद ये है कि आप सभी बहन भाई हमारा साथ दें, अपना मुतलका थाने में और मुतलका FIA साइबर क्राइम ऑफिस में इनके खिलाफ जाके ज़रूर एप्लीकेशन दें, और ऑनलाइन इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करना प्लीज़ ना भूलिएगा। लाजमी तौर पे सभी बहन भाई जो जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बहन भाइयों ने इनके ख़िलाफ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस तरीके से मैं बता चुका हूँ आपने ज़रूर करनी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मंजर व्लॉग्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।